हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 7 फरवरी 2020 से बनने वाले करंट अफेयर देखेंगे। तो आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी 2020 से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं तो सारे करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं डेली मॉर्निंग डोज। तो पहला सवाल क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है। तो हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19वां स्थान दिया गया है। तो झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 19वां स्थान मिला है। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है, झारखंड के रांची में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड सरकार और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस कार्य के लिए साथ काम करेंगे। तो झारखंड सरकार और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी कौन से कार्य के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ जागरूकता के लिए झारखंड सरकार और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी साथ मिलकर काम करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों। तो झारखंड सरकार और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ मिलके दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, तो हाल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय स्तर की रक्षा वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय स्तर की रक्षा वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। और इस रक्षा वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में बढ़ावा के देने के लिए। तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में बढ़ावा के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता आयोजित हुई है नई दिल्ली में। अगला सवाल देख लेते हैं, तो हाल ही में श्रीलंका ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। तो श्रीलंका ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 फरवरी। तो श्रीलंका ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाया है। और श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो श्रीलंका को स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को मिली थी। और किससे मिली थी, तो श्रीलंका को स्वतंत्रता ब्रिटेन से मिली थी 4 फरवरी 1949 को। और हाल ही में 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, हाल में अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन है। तो हाल में अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मो ओ ब्रायन, ऑप्शन ए। तो मो ओ ब्रायन पहली बधिर व्यक्ति हैं जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार की है। और उन्होंने कुल मिला के 4800 किलोमीटर की दूरी तय की है। और एम मो ओ ब्रायन जो है 63 साल के हैं। अगला सवाल अब देख लेते हैं, तो हाल ही में जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया, वह निम्न में से किससे संबंधित थे। तो हाल ही में जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया, वह निम्न में से किससे संबंधित थे। तो वह क्या थे, तो वे एक लेखक थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जसवंत सिंह कंवल जो थे एक लेखक थे जिसका हाल ही में निधन हो गया। तो वे लेखक थे, तो कौन भाषा के, तो वो पंजाबी भाषा के लेखक थे। और उनकी एक बुक है, प्रसिद्ध बुक है पाखी, और पाखी बुक के लिए उसे 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। तो 1996 में पाखी बुक के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1998 में जसवंत सिंह कंवल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो जसवंत सिंह कंवल जो थे एक पंजाबी भाषा के लेखक थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में, ऑप्शन डी। तो भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है। और तेलंगाना के कहाँ, तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित हो जा रहा है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो हाल ही में रवि सिंह का निधन हो गया, वह निम्न में से किससे संबंधित थे। तो हाल ही में रवि सिंह का निधन हो गया, तो वो किससे संबंधित थे, तो एक कवि थे। और कवि के साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कवि थे, तो कौन सी भाषा के कवि थे, तो रवि सिंह का निधन हो गया, वे एक कवि थे उड़िया भाषा के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रवि सिंह जो उड़िया भाषा के कवि थे और साथ ही साथ वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला सवाल देख लेते हैं, तो हाल ही में
नाडा ने किस खिलाड़ी को निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में नाडा ने कौन से खिलाड़ी को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हाल ही में नाडा ने रविंदर कुमार और रामसाद ए आर को निलंबित किया है। तो कुछ नशीले पदार्थ के सेवन के कारण नाडा ने रविंदर कुमार और रामसाद ए आर को निलंबित कर दिया, यानी कि ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तो रविंदर कुमार जो है एक पहलवान है, उसको 4 साल के लिए निलंबित किया गया है, और रामसाद ए आर जो है वेटलिफ्टर है, इसको 2 साल के लिए निलंबित किया गया है। यहाँ एक एस्थेटिक जी के बनता है नाडा, तो नाडा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का पूरा नाम है। और नाडा की स्थापना कब हुई थी? तो नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में स्थित है। और इसके नाडा के डायरेक्टर जनरल कौन है? नवीन अग्रवाल। तो इससे इतने सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुक्ति कारवां अभियान चलाया है? तो हाल ही में कौन से राज्य ने मुक्ति कारवां अभियान चलाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुक्ति कारवां अभियान चलाया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मुक्ति कारवां अभियान चलाया क्यों गया है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है बाल श्रम, मानव तस्करी व शोषण के खिलाफ जागरूकता के लिए राजस्थान सरकार ने मुक्ति कारवां अभियान की शुरुआत की है। तो मुक्ति कारवां का मुख्य लक्ष्य क्या है? बाल श्रम, मानव तस्करी व शोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाना। तो एक मुक्ति कारवां आखिर चलाया क्यों गया? क्योंकि 2018 में एक रिपोर्ट आई थी राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा, इसके अनुसार राजस्थान को 6ठा रैंक मिला था। तो इसी रैंक को सुधारने के लिए राजस्थान ने मुक्ति कारवां अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। तो हाल ही में दीपा मलिक को भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दीपा मलिक से पहले भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन था? तो गुरशरण सिंह। तो ऑप्शन ए जो है गुरशरण सिंह दीपा मलिक से पहले भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष था, लेकिन अभी नया अध्यक्ष कौन बने हैं भारतीय पैरालंपिक समिति के? दीपा मलिक। तो दीपा मलिक को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और भारत पैरालंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो भारतीय पैरालंपिक समिति के हेडक्वार्टर की बात करें तो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश ने पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो कौन से देश ने पर्यटकों पे सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। तो हाल ही में भूटान ने पर्यटकों पे सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो इस टैक्स के अंतर्गत इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगेगा। और इस टैक्स के अंतर्गत डेली भूटान में ठहरने के लिए 1200 रुपये टैक्स देना होगा। और इस टैक्स से जितने भी आमदनी होगा तो भूटान के सतत विकास पे खर्च किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। तो भूटान ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पे सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय मोहन कात्रा। तो विनय मोहन कात्रा को नेपाल में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो नेपाल में भारत का नया राजदूत किसको बनाया गया है? विनय मोहन कात्रा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये थे 7 फरवरी 2020 से बनने वाले करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फास्ट ट्रैक में रिवीजन कर लेते हैं। तो नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन कात्रा को। अगला देख लेते हैं क्या है। तो किस देश ने पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो भूटान ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है। और इस टैक्स के अनुसार डेली 1200 रुपये देने होंगे भारत पर्यटकों को। अगला क्या है। तो हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो गया दीपा मलिक। और भारत पैरालंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला क्या है। हाल ही में किस राज्य ने मुक्ति कारवां अभियान चलाया है? तो मुक्ति कारवां अभियान जो है राजस्थान सरकार ने चलाया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो हाल ही में नाडा के किस ने किस खिलाड़ी को निलंबित कर दिया है?
तो नाडा ने हाल ही में रविंदर कुमार और रामसाद एआर को क्रमशः 4 साल और 2 साल के लिए निलंबित किया है। तो रविंदर कुमार पहलवान है और रामसाद एआर जो है वेटलिफ्टर है। अगला क्या था, हाल ही में रवि सिंह का निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे, रवि सिंह जो थे एक उड़िया भाषा के कवि थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्या था, तो भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्या था, तो हाल ही में जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे, तो जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया, वे एक पंजाबी भाषा के लेखक थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसकी प्रमुख रचना था पाखी, इसके लिए 1996 में उसको साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी है, तो मो ओब्रायन, उसने इसका सही हो जाता। अगला क्या था, तो हाल ही में श्रीलंका ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है, तो 4 फरवरी को अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और श्रीलंका को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। अगला देख लेते हैं, तो हाल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय स्तर की वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो झारखंड सरकार और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस कार्य के लिए साथ काम करेंगे, तो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑप्शन सी इसका सही हो जाता। अगला क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का कौन सा स्थान दिया गया है, तो 19वां स्थान दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलते हैं 8 फरवरी को।